दानिश कुमार सिंह। आज मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ मैट्रिक क्लास के विद्यार्थियों के लिए हिंदी सब्जेक्ट का, जो संस्कृत वालों के लिए यानी हिंदी वालों के लिए और नॉन हिंदी वालों के लिए दोनों सवाल इसमें है। और सबसे बेहतर सवाल पूछे जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं इस बार, ताकि जो परीक्षा में बार बार सवाल पूछे जाते हैं उन्हीं सभी सवालों को बताने जा रहा हूँ, नॉन हिंदी से भी और हिंदी से भी। MS कोचिंग सेंटर के द्वारा आपका ये, अगर आप लोग ये वीडियो जो देख रहे हैं, अगर इस वीडियो के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, और साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट दे करके आप उसमें अच्छा है या नहीं है इसको जरूर अपनी प्रतिक्रिया में जरूर बताते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम को खर्च किए हुए कि पहला इसमें सवाल क्या है संस्कृत में, जो बार बार परीक्षा में पूछा जाता है संस्कृत वालों के हिंदी में, तो पपाती कौन थी और वह शहर क्यों लाई गई थी। तो आप लोगों को पता है कि पपाती कौन थी, पपाती जो है बल्ली अमाल की बेटी थी, लिखना होता है। और ये शहर जो है क्यों लाई गई थी, तो ध्यान देंगे उनको मेनिनजाइटिस था और उसी मेनिनजाइटिस के इलाज के लिए वो शहर लाई गई थी, सुना रहा है। तो ये आपके हो गए पहले सवाल, मात्र दो लाइन में लिखते हैं और आपको दो नंबर मिल जाते हैं, है ना। तो दूसरा सवाल है आपका कि माँ मंगू को अस्पताल में क्यों नहीं भर्ती कराना चाहती थी, आखिर कारण क्या था। तो माँ जो थी, इसमें देखिए हमने सिर्फ क्वेश्चन लिखे हैं, आंसर आपको सुनना होगा क्योंकि बड़ी आसान आसान आंसर है, आप सुन करके याद कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं। तो माँ जो है अपनी बेटी मंगू को इसलिए भर्ती नहीं कराना चाहती अस्पताल में, ताकि एक तो बचपन से ही मंगू जो है पागल है और वो क्या करती है कि जो भी शौच इत्यादि होता है वो बिस्तर पर ही कर देती है, तो उसके साफ सफाई के लिए जो है कि वह डर लगता है उसको कि अस्पताल में डॉक्टर है, नर्स है, ये सभी जो है इसकी सफाई नहीं कर सकते हैं, वे अपने सिर्फ अपना कोरम पूरा करेंगे, अपने काम में काम रखेंगे, तो ये सब काम वहाँ पर कौन करेगा। और दूसरी बात ये कि वह अस्पताल को जानवरों जैसा बर्ताव रखने वाला एक जगह समझती है, इसीलिए वह अस्पताल में अपने बेटी को भर्ती नहीं कराना चाहती है। फिर आपको तीसरा सवाल कि कवि की दृष्टि में माली मालिन कौन है। तो कवि की दृष्टि में माली मालिन कृष्ण और राधा को कहा गया है, कृष्ण को माली कहा गया है और राधा को मालिन कहा गया है, वह भी प्रेम रूपी जो है वाटिका का, प्रेम रूपी बगीचा का माली मालिन कृष्ण और राधा को कहा गया है। ये बिल्कुल देखिए आसान आसान सवाल आपको दो दो नंबर मिलते जाएंगे। फिर आपको चौथा कि दिनकर की दृष्टि में आज के देवता कौन है। तो दिनकर एक बहुत बड़े हमारे राष्ट्रकवि हैं, रामधारी सिंह दिनकर, और वो लिखते हैं, वो बताते हैं कि आज के युग में जो देवता हैं, असल देवता हैं, वास्तविक देवता हैं, वो हमारे किसान हैं, मजदूर हैं। क्योंकि आप जब भी उनसे मिलने जाएंगे, जो वो हमारे किसान मजदूर गांव में निवास करते हैं, जब भी आप उनके पास जाएंगे, वे अपनी किसी भी परिस्थितियों में काम करते हुए नजर आएंगे। किसान का धरती चीरता हुआ खेत में अनाज लगाता हुआ नजर आएगा, चाहे कड़ाके की धूप हो या बहुत सारी सर्दी पड़ रही हो या फिर मूसलाधार बारिश हो रही हो, किसी भी परिस्थिति में किसान अपना काम करते रहता है, कभी रुकता नहीं है। इसलिए असल में उसे ही कवि ने वास्तविक देवता कहा है या सही का देवता, आज का देवता कहा है, ठीक है। तो फिर अंतिम यानी पांचवा नंबर सवाल है आपको कि मनुष्य की छायाएं कहाँ और क्यों पड़ी हुई है। तो मनुष्य की छायाएं, ये जो है आपको हिरोशिमा की इसमें चर्चा की गई और बम गिराने की चर्चा, उसी बात की इसमें चर्चा है कि मनुष्य की जो छायाएं हैं हिरोशिमा पर बम गिराने की जो बात की गई कि हिरोशिमा में जब बम गिरा है तो उस बम के गिरने से उसके कुप्रभाव को यहाँ पर छाया के बारे में बताया गया कि उसका कुप्रभाव आज भी दिखाई पड़ता है। और यह जो है कि हिरोशिमा पर जो बम गिरा है वह मानव ने ही बम बनाया है और वह बम मानव का ही विनाश करता है, इसलिए ये सवाल में इसको छायाएं कहा गया है। और मनुष्य की छायाएं कहां और क्यों पड़ी, इसलिए कहा कि मनुष्य की छायाएं यानी मनुष्य का बम और मनुष्य का विनाशक रूप, है ना, ये दोनों कहां और क्यों पड़ा है ये चीज बताया गया। तो हिरोशिमा पर पड़ा है, अमेरिका के द्वारा वह बम गिराया गया है और आज जो है बम की जो प्रकृति बन गई, मनुष्य बनाता है एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, एक दूसरे को कम करने के लिए, एक दूसरे की प्रगति को देख करके ईर्ष्या से एक दूसरे देश को नीचा दिखाना चाहते हैं। आज तर्क वितर्क की दुनिया में ये जो बम की होड़ लगी हुई है, आयुधों की होड़ लगी हुई है, इस आयुधों में एक दूसरे देशों पर बम गिराने की जो प्रक्रिया है यह बहुत ही गलत है, क्योंकि यह मनुष्य जो है अपने द्वारा बनाया गया बम से ही अपना ही विनाश कर लेता है, यही इसमें कहा गया है। ये पांच सवाल है बड़े आसान, इससे आपको मिल सकते हैं 10 नंबर, यानी प्रत्येक सवाल दो दो नंबर के हैं। अब हम आते हैं नॉन हिंदी में, जो कि यहाँ पर बहुत ही बेहतर बेहतर सवाल दिए गए हैं, क्योंकि लगातार आप क्वेश्चन बैंक उठा करके देखेंगे दोनों सवाल इसमें जो है कि कई बार पूछे जा चुके हैं। आइए जानते हैं कि एक दिन अमीना क्यों उदास थी। तो आप सभी को पता है कि ईद एक हर्षोल्लास वाला, साल भर में एक बार आने वाला पर्व है, है ना, उसी सभी लोग खुशी मनाते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, सब कुछ करते हैं, है ना, ये सवैया इत्यादि सब पीते हैं, खाते हैं, सब कुछ करते हैं। परंतु अमीना जो है गरीब औरत है, उसका एक पोता है, नाती है, अब उसके घर में कोई भी अनाज का टुकड़ा इत्यादि सब नहीं, बहुत गरीब है, इतनी गरीब है कि वो अपनी दीनता के कारण उदास है कि हर्षोल्लास का
पर्व है ईद। इस ईद के दिन ना ही उसके पास किसी को भिक्षा देने के लिए कुछ है और ना ही उसको कुछ खाने के लिए है और ना ही अपने जो पोता हामिद है उसको मेला जाने के लिए कुछ पैसे देने को कुछ भी उसके पास नहीं। इसीलिए वह क्या अपनी गरीबी पर अपनी दीनता पर यह उदास है। अमीना, यह है आपका पहला सवाल। और दूसरा सवाल है कि मेला जाने से पहले हामिद दादी से क्या कहता है। तो आपको पता है कि किसी भी घर का बच्चा हो छोटा हो तो लोग मेला जाने नहीं देते हैं या किसी न किसी के साथ में भेजते हैं, परंतु हामिद जो था वह घर का एक इकलौता बच्चा था और केवल उसकी दादी थी घर में, लेकर के जाने वाला भी कोई नहीं था। इसलिए दादी डर रही थी कि अगर मेला गया तो या तो हो सकता है या कुछ हो सकता है, उसे देखेगा कौन। परंतु उसका बच्चा जो उनका जो पोता हामिद है, वह हामिद अपने दादी को मेला जाने से पहले हिम्मत दिलाता है कि दादी मैं मेला जाऊंगा सबसे पहले और सबसे पहले चला भी आऊंगा। यह दादी को हिम्मत देता है कि तुम चिंता ना करो, मैं सही सलामत जाऊंगा और सही सलामत मेला से घूम करके चले आऊंगा। उसके बाद आपको तीसरा सवाल कि हामिद खिलौना और मिठाई के बदले क्या पसंद करता है। तो आपको पता है ना क्या पसंद करता है? चिमटा। चिमटा, चिमटा से आप जलेबी निकाल सकते हैं, चिमटा से आप रोटी निकाल सकते हैं, ये सब कुछ काम होता है। तो हामिद जो है अपने, अब हामिद कितना पैसा लेकर के जाता है? कितने लेकर के जाता है? तीन पैसा हामिद लेकर के जाता है। परंतु सारे लड़कों के झुंड में जाता है, सारे लड़के मिठाई खिलौने इत्यादि बहुत सारे कुछ खरीद रहे हैं, परंतु वह जो है मिठाई और खिलौना इत्यादि न खरीद कर वह ऐसा चीज खरीदना चाहता है जिससे उसकी दादी की मदद हो सके। वह हमेशा देखता है कि दादी की रोटी बनाते समय में उसके हाथ से तवे से सट करके जलता है, तो वह देखता है कि लोहे की दुकान कहाँ है, वहाँ वो जाए और चिमटा खरीदे। तो वो लोहे की दुकान पर जाता है, चिमटे वाले से, उस लोहे की दुकान वाले से चिमटा खरीदता है ताकि उसकी दादी का हाथ रोटी बनाते समय नहीं जलेगा। फिर आपको अगला सवाल है कि चिमटा देकर जब वो मेला से लौटता है तो चिमटा देकर हामिद के हाथ में अमीना कैसा, मतलब भाव विवल हो जाती है या अमीना को कैसा लगता है, अमीना का मन में कैसा भाव जगता है, तो जानते हैं हम। तो जैसे ही अमीना देखती है कि हमारे बच्चे ने यानी हमारे पोते ने मिठाई वगैरह सब ना खा करके, खिलौना न लेकर के चिमटा लेकर के आया है, तो सबसे पहले तो वह क्या होती है, दुखी हो जाती है। मतलब उसे खुशी भी होता है और दुख भी होता है। खुशी इस बात से होता है कि उसका छोटा सा एक पोता उसके दुख को जान गया, इसके लिए वह उसे खुशी होती है। और दुख इस बात का होता है कि सारे बच्चे वहां पर मिठाई खिलौने इत्यादि खरीदे होंगे और यह वहां पर देखा होगा, इसे कितनी इसे जो है कि लालच आई होगी, बहुत कुछ आया होगा, इसके कारण वो क्या है, दुखी है। तो वह देख करके उसे भाव विवल हो जाती है, रोने लगती है, अपने पोते को जो है हृदय से लगा लेती है। और यही उस समय का चित्रण है कि हामिद को देख करके उसे खुशी भी होती है, दुख भी होता है, वह रोने लगती है अपनी चिंता पर, अपनी गरीबी पर, और वह अपने बच्चे की सोच पर वह खासकर रोने लगती है, जानने लगती है कि एक हमारा छोटा बच्चा है जो कि मिठाई इत्यादि के बदले जो कि चिमटा लेकर के आता, हमारे दुख को समझता है। फिर आपको चौथा या पांचवा कि आप अपने को कर्मवीर कैसे साबित करेंगे। ये कर्मवीर से ही लिया गया है, तो कोई भी व्यक्ति अपने आप को कर्मवीर कैसे साबित कर सकता है। तो आपको पता है कि कर्म करके, क्या करके, कर्म करके। अब कर्म जो है ना हमारे दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो। एक अच्छे कर्म और एक बुरे कर्म। तो हम अगर बुरा कर्म करते हैं तो कर्मवीर कहलाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमको क्या करना होगा? अच्छा कर्म करना होगा। तो कर्मवीर साबित करने के लिए सबसे पहला हमारा काम होता है कि मंजिल को तय करना। हम मंजिल को तय करें और मंजिल को कभी आधे राह में छोड़े, मंजिल को पूरा करके छोड़े। जैसे कि अगर हम एक विद्यार्थी हैं तो हमारा मंजिल है कि मैट्रिक या इंटर के परीक्षाओं में अव्वल आना, बेहतर अंक लाना। अगर किसी विषय वस्तु की हम तैयारी कर रहे हैं तो उसमें पास होना, ये हमारा होता है लक्ष्य। इस लक्ष्य को पूरा करने वाला व्यक्ति ही कर्मवीर कहलाता है। अगर कोई सैनिक है तो सैनिक अपने सरहद पर लड़ते लड़ते जान गंवाते, उस व्यक्ति को कर्मवीर कहा जाता है। यहाँ किताबों में कर्मवीर उसी व्यक्ति को कहा गया है जो व्यक्ति अपने कर्म से हारता नहीं है, कर्म को करते करते मंजिल को प्राप्त करता है, उस व्यक्ति को कहा जाता है कर्मवीर। आइए जानते हैं, अभी इधर बोर्ड पर लिखे होने के कारण, ज्यादा ज्यादा नहीं होने के कारण फिर अब बता रहे हैं इसमें। छह नंबर सवाल जो है संस्कृत वालों का, संस्कृत वाले हिंदी का, तो इसमें दिया गया है छह नंबर जो सवाल है कि झोले में मछलियां लेकर बच्चे दौड़ते हुए पतली गली में क्यों चले जाते हैं या प्रवेश करते हैं। तो ये मछली चैप्टर से लिया गया है। इसमें जो बच्चे हैं झोले में मछलियां लिए रहते हैं और जब वो जाते हैं तो बारिश बूंदा बूंदी आ जाती है, तो वो बारिश से बचने के लिए मुख्य रास्ते से न होकर के पतली गली से, घर नजदीक पड़ता है इसलिए वे पतली गली से निकल जाते हैं या उसमें प्रवेश कर जाते हैं। ये बिल्कुल आसान है, आपको इससे दो नंबर मिलते हैं। फिर आपको सातवां नंबर सवाल है कि लखनऊ और रामपुर से बिरजू महाराज का क्या संबंध है। बड़ी आसान है, आपको दो लाइन में लिखेंगे, दो नंबर मिल जाएगा। आसान आसान सवाल है, बिल्कुल ध्यान से आप सुनेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, कमेंट लाइक सब करते रहेंगे। तो जानते हैं, लखनऊ में बिरजू महाराज का जन्म हुआ था।
इसलिए उनका उस जगह से विशेष संबंध है। और साथ ही रामपुर में उनके बहनों का जन्म हुआ था और रामपुर में उन्होंने बहुत ज्यादा समय बिताया हुआ था, इसीलिए रामपुर और लखनऊ से बिरजू महाराज का विशेष संबंध है। फिर जानते हैं आपको बढ़ते नाखूनों द्वारा प्रकृति मनुष्य को क्या याद दिलाना चाहती है। तो बढ़ते नाखूनों द्वारा जो कि प्रकृति है वो हमारी पाशविक वृत्ति को यानी आदिम समय में बहुत पुराने समय में वो दिखाना चाहती है। बहुत पुराने समय में मनुष्य जो था पशुओं के जैसा था, जानवर के जैसा था, वो अभी उनके बाल बड़े हुए थे, सब कुछ थे, उनके पहले नाखूनी हथियार थे। इस बात को पहले याद दिलाता है हमारा बढ़ता हुआ नाखून, आज भी पाशविक वृत्ति के रूप में वो बढ़ता रहता है। तो ये हो गए आपके 8 सवाल। आपके परीक्षा में भी 8 सवाल आएंगे जिसमें से 5 बनाना आपको अनिवार्य रहेगा और आप बेहिचक रहेंगे। हमने जिस भाषा में आपको बताया है उसी भाषा में आप आंसर देंगे, क्योंकि परीक्षा हॉल में भी जब आप बैठते हैं आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है तो उस पर लिखा गया रहता है कि आप अपने शब्दों में उत्तर दें। तो कुछ जुड़ने की किताबी भाषा में लिखना, आप अपने शब्दों में उत्तर दे सकते हैं। चलिए जानते हैं नॉन हिंदी में, उसमें भी आपको यहाँ 7 नंबर 8 नंबर होना। नॉन हिंदी में भी जानते हैं 6 नंबर सवाल कि वकील साहब खुशी क्यों नहीं थे। तो वकील साहब के पड़ोस में एक सेन साहब रहते हैं जो कि बीमा एजेंट हैं और वे जो है बहुत ज्यादा प्रगति करते हैं, उनके पास बंगले गाड़ी सब कुछ बेहतर है। उसी बंगले गाड़ी को देख करके, उनके उन्नति प्रगति को देख करके, उनके रुपए धन दौलत को देख करके वह हमेशा जलते रहते हैं, ईर्ष्या करते रहते हैं, इसीलिए वे दूसरे को धन संपत्ति को देख करके वे सुखी नहीं है। अब जानते हैं हम कि निराला को दीन बंधु क्यों कहा गया है, क्यों कहा गया है, तो ये जानेंगे। दीन बंधु किसे कहा जाता है, दीन यानी गरीब और बंधु मतलब उसका भाई या उसका साथ देने वाला। तो जो निराला थे, निराला बहुत, जो कि निराला निराला ही थे, निराला कहने का मतलब कि वो दूसरे के, दूसरे लोगों के दुखों को देख करके जल्दी भाव विह्वल हो जाते थे। अपना सारा कुछ, अपना मतलब जो भी उनके पास होता था संसाधन, वे सारे संसाधन दीन दुखियों को दे देते थे। जो निराला थे, गरीबों में, गरीबों के शहर से, गरीबों के गांव से वास करते थे, गरीबों के दुखों को जानते थे, इसलिए वे क्या करते थे, अपनी आए हुए सैलरी को भी, अपने अपना खाना भी गरीबों को दे देते थे, अपना वस्त्र भी गरीबों को दे देते थे। ये इसीलिए इनको कहा जाता है दीन बंधु को, कि निराला को दीन बंधु कहा जाता है, कारण है कि वो दीन दुखियों की क्या करते थे, हमेशा तत्पर मदद करते थे। फिर आपको कि पद्मा के ललकारने पर भी अशोक ने युद्ध करना स्वीकार क्यों नहीं किया। तो ध्यान देंगे, पद्मा एक वीरांगना थी यानी औरत थी और अशोक जो थे एक पुरुष थे, इसीलिए हमारे शास्त्रों के अनुसार, हमारे शास्त्रों में लिखा गया है कि औरतों से लड़ाई नहीं करना चाहिए, लड़ाई करना पाप होता है, अधर्म होता है। इस शास्त्रों के अनुसार अशोक ने कहा, अशोक पद्मा के ललकारने पर भी अशोक ने कहा कि शास्त्रों के खिलाफ है हमारा औरतों से लड़ाई करना, इसीलिए वो लड़ाई नहीं किए। और साथ ही साथ हमारी भारतीय परंपरा भी रही है कि औरतों के साथ पुरुष उलझते नहीं है, लड़ाई इत्यादि नहीं करते हैं, इसीलिए अशोक ने पद्मा के ललकारने पर भी, चेतावनी देने पर भी युद्ध नहीं किया। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन हमेशा पहुंचते रहे।